दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। स्त्री के बाल पर 21 बार मंत्र बोलकर जला दें, होगा प्रचंड वशीकरण, वो भी मात्र कुछ घंटों में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिससे कि आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर पाएंगे, वो भी सिर्फ उसके बालों से। आपको किसी भी तरीके से उसके थोड़े से बाल ले लेने हैं। ये बाल दोस्तों नीचे ज़मीन पे गिरे हुए बाल भी हो सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये उसी स्त्री के होने चाहिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। किसी और के बाल अगर इसमें मिल जाएंगे तो फिर ये वशीकरण काम नहीं करता है दोस्तों। तो किसी भी एक स्त्री जिसे आप चाहते हैं उसके बाल ले लीजिए और उसके बाद ये उपाय आप कर सकते हैं। तो एक किसी भी बर्तन में आप पहले बाल को रख लीजिए अपने सामने, और उसके बाद एक कागज पर आपको लिखना है उसका नाम। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रोशनी, लड़की का नाम। नाम को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसको इस कागज पर लिखकर छोड़ देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि मंत्र बेहद आसान है। उस मंत्र का उच्चारण आपको किस तरह से करना है, ये पूरी विधि किस तरह से होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों इस जो हमने बाल लिए हैं, बाल को आपको क्या करना है कि एक बर्तन में रखना है, और उस बर्तन में जहाँ पे आपने बाल रखे हैं उससे नीचे आपको उस लड़की का नाम लिखकर रख देना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, लड़की का नाम और उसके बाल एक ही जगह पर रख दिए आपने। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बहुत ही आसान सा मंत्र है जो कि आपको बोलना है। छोटा सा मंत्र है दोस्तों, वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। मंत्र है दोस्तों त्रीम स्वाहा त्रीम वशम कुरुम स्वाहा। ये मंत्र है दोस्तों, ये मंत्र आप याद कर लीजिए। ये मंत्र आपको सिर्फ 21 बार बोलना है। 21 बार आप इस मंत्र को बोलेंगे और उसके बाद ये जो बाल आपने रखे होंगे अपने सामने, इसको आपको जलाना है। कागज़ को भी जलाना होगा दोस्तों। इस तरह से होना चाहिए कि कागज़ और बाल दोनों एक साथ जल जाए। तो ये दोनों चीजें आपको इस तरह से जला देनी है। तो दोस्तों जैसे बाल जल चुके होंगे आप देख सकते हैं, ये जितना ज्यादा आप जला दें उतना अच्छा है। इसे पूरा जलाने के बाद आपको उस बर्तन में से बाल को निकाल लेना है, और जिस कागज पर आपने मंत्र लिखा था उस कागज पर आपको इसे इकट्ठा कर लेना है इस तरह से, और इसकी एक छोटी सी पुड़िया बना लेनी है। और दोस्तों ये पुड़िया आपको लेके जानी है अपने घर के पास, जहाँ पर भी आपकी प्रेमिका रहती हैं उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ देना है। जब आप इसे गाड़ रहे हों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस समय आपके आसपास कोई ना हो। इसे दफनाने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से दबा के मिट्टी से दबा देना है, मतलब किसी को पता ना चले कि आपने वहाँ पर ये कागज़ और इसका सामान दफनाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर वापस आ जाना है और अपना हाथ मुंह धो के, नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, और कपड़े बदल लेने हैं। दोस्तों सिर्फ कुछ मिनटों के बाद ही उस स्त्री का आपके पास खुद कॉल आएगा। ये मंत्र और ये उपाय इतना ज़्यादा कारगर है कि वो स्त्री खुद आपके पास आ जाएगी। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आप इसे कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी अगर आपकी हो तो उसे दूर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं।